चुनाव के लिए मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी ने 28 सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर लिया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 28 सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया है। इनमें 11 सीटों पर सिंगल नाम है जबकि 14 सीटों पर दो दो नामों का पैनल बनाया गया है। गुरुवार को हुई बैठक के पश्चात कई नामों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं भोपाल और इंदौर को पैनल में शामिल कर केंद्रीय चुनाव समिति पर अंतिम निर्णय छोड़ दिया गया है। देखिए, अभी स्क्रीनिंग कमेटी अपने नाम घोषित नहीं करती है, तो इसलिए केवल अंदाज लगा सकते हैं कि 10-12 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं कि जहां पर प्रदेश चुनाव समिति, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताओं ने लगभग कई 8-9 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंगल नाम दिए हैं। तो मुझे लगता है कि 9-10 सीटें तो ऐसी हैं जो पहले लिस्ट में आ जाएंगी। अभी घोषित नहीं होगी, पहले आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद फिर 1-2 दिन लगेंगे, उसमें चर्चाएं होती रहेंगी। हो सकता है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक आज, कल, परसों, 3 दिन है, तो उसके बाद ही वो घोषित करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।